हाय दोस्तों, स्वागत है हमारे एक न्यू ब्लॉग में। हमारे पापा आए हैं, हम आए में आए हैं खाद छिड़कने। हमारे पापा खाद छिड़क रहे हैं। यहाँ हमारे देसी खाद छिड़क जाता है, जो गाय भैंस का गोबर रहता है वो इसी से खाद छिड़क। तो शाम का टाइम है, हल्का हल्का ठंडी सा मौसम है। तो आप बताइए, वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर से जरूर करिएगा। सो मिलते हैं। हाय दोस्तों, स्वागत है एक और न्यू ब्लॉग में। दोस्तों आज अपने खेत में आए हैं। दोस्तों इवनिंग का टाइम चल रहा है, जो कि ये गोबर का खाद है दोस्तों, गाय और भैंस का। तो हम अपने खेत में छिड़कते रहे देसी खाद। दोस्तों देसी खाद बहुत पौष्टिक ज़्यादा होता है दोस्तों, क्योंकि उर्वरक खाद से ज़्यादा अच्छा होता है देसी खाद। दोस्तों हमारे यहाँ देखो भेड़ियाँ चल रही हैं दोस्तों, बहुत ज़्यादा तमाम भेड़ियाँ हैं दोस्तों। और अंशिका भी देखो साथ में आई हुई है। अंशिका कैसा लग रहा है मौसम यहाँ? बहुत अच्छा लग रहा है, हल्की हल्की ठंडी भी है। हल्की हल्की ठंडी है। और दोस्तों देख सकते हैं सूरज डूबने को, इवनिंग का टाइम दोस्तों। और वो देखिए रॉकेट भी है, रॉकेट ज्यादा है। रॉकेट कहाँ पर? वहाँ सूरज के पास। और दोस्तों यहाँ का देख सकते खेती भी, गुवाई गेहूँ सब बोने वाले हुए हैं दोस्तों। और दोस्तों आप देख सकते हैं हम अपने खेत में आए हुए हैं, और ये खाद देसी खाद डालते हैं, सभी जगह रखा हुआ दोस्तों। देख सकते हैं यहाँ भी है, सब छिड़काव कर रहे हैं देसी खाद का खेतों में। हमारे यहाँ देसी खाद का छिड़काव ज़्यादा होता है दोस्तों, जो गाय भैंस का गोबर होता है वो ज़्यादा यूज करते हैं खेतों में दोस्तों। और दोस्तों हमारा ब्लॉग कैसा लगा आपको? ब्लॉग अच्छा लगा तो ब्लॉग में प्यारा प्यारा कमेंट जरूर करना दोस्तों। और हम तो अपने खेत में छिड़काव कर रहे हैं गोबर का दोस्तों, देख सकते हैं आप, देख सकते हैं दोस्तों गोबर। और खेत में अभी नमी पूरा है दोस्तों, गेहूँ बुआने वाला है दोस्तों। और शाम का टाइम बिल्कुल है दोस्तों। तो कैसा लगा हमारा वीडियो? वीडियो अच्छा लगेगा दोस्तों तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना दोस्तों। और मिलते हैं एक और न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।